Robert. कि आप सब जानते हैं 2024 में अजय देवगन की कई सारी बड़ी फिल्में रिलीज होंगी, जो फिल्में लोगों को देखना बहुत ज्यादा पसंद आने वाली। आप लोगों को बता दें, इन दिनों अजय देवगन अपनी कई सारी फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बने हुए लगातार कई सारी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं। फिलहाल आप लोगों को बता दें, 2024 अजय देवगन के लिए बहुत ज्यादा खास बन गया। उनकी कई सारी फिल्में रिलीज हुई जो फिल्मों को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके अलावा आपको बता दें, इन दिनों अजय देवगन और भी कई सारी फिल्मों को लेकर जहां सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में, तो इन दिनों उनकी एक फिल्म काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी। फिल्म का टाइटल है रेड टू। इससे पहले भी रेड टू रेड बन चुकी है, उसके बाद अब इसका सिक्वल बनने जा रहा है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर उम्मीद है कि फिल्म जब रिलीज होगी तो लोग काफी ज्यादा पसंद करेंगे। आप लोगों को बता, जब इसका पहला पार्ट बना था रेड टू, लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और लोगों ने इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया था। उसके बाद इसका सिक्वल बनने जा रहा है, जो कि इसका इस फिल्म को देखने के लिए जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। वही आप लोगों को बता दें, इस फिल्म को कई बड़ी कंपनियों द्वारा प्रोड्यूस किया, जिसमें टीजरीज शामिल होने वाला है और इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने वाले हैं। वहीं आप लोगों को बता दें, हाल ही में अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर अपनी कई सारी वीडियो तस्वीरों को शेयर किया था, जहां पर उन्होंने अपनी और रवि तेजा की एक तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इस फिल्म का मुहूर्त बताया, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं, जहां पर देखा जा सकता है, जहां पर रवि तेजा के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं आप लोगों को बता दें, इस फिल्म में वाणी कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा भी और भी कई कलाकार इस फिल्म में काम करते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी शानदार फिल्म होने वाली। बताया भी जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग 6 जनवरी से शुरू हो गई, जो कि काफ़ी शानदार शूटिंग होने वाली। आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म को कई बड़े लोकेशन पर शूट किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मुंबई जैसे और भी कई जिले शामिल। इस फिल्म को बहुत बड़े बड़े लोकेशन पर शूट किया जाएगा और फिल्म की कई सारी वीडियो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। फिलहाल आप लोग भी देख सकते हैं।